एग्रीड एग्रीड अच्छा आप देखें एक तरफ तो हमें ये नज़र आता है कि हालात से तंग आए लोग सुसाइड कर रहे हैं अन्प्लॉयमेंट है लड़ाइयाँ हैं घर में कोई ताने पड़ रहे हैं मुश्किल हैं बिल नहीं दिए जा रहे वगैरह वगैरह या कोई ब्रेकअप हो गया है एक तरफ हमें हाइपर सक्सेसफुल मैन अपेन्टलीटली जैसे सेलिब्रिटीज़ को कोट करूँ तो चेस्टर बेनिंगटन लिंकन पार्क Uh, जो अपेरेंटली ही इज़ वेरी सक्सेसफुल ही वॉज़ वेरी सक्सेसफुल रॉबिन विलियम्स कुछ ऐसा उनकी लाइफ में अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहा कि वो कोई फेलियर हो या उनके पास पैसे ना हो या फेम ना हो ओवर uh, डोजिंग से कितने लोग मारे गए यानी निर्वाना uh, एक बैंड था मैं सुनता exactly. था उसमें कर्ट uh, कोबेन वो सुसाइड से मरा इसी तरह ये जो डार्क नाइट मूवी है इसमें आई थिंक ये क्या नाम है इसका हीथ लेचर ही डाइट बिकॉज ऑफ ओवर डोजिंग आमिर लिया अल्लाह माफ़ करे कितना अफसोसनाक वाक्य है वो भी देखें अपेरेंटली ऐसे ही लग रहा है कि सुसाइड चले वो तो एक इमोशनल डिस्ट्रेस वाला मामला था लेकिन ये लोग जो सुशांत सिंह हो गया जो बॉलीवुड का एक्टर ये तो अपेरेंटली सक्सेसफुल लोग ये इसके पीछे आपको क्या जो है वो समझ आती है असल में अली भाई अगर एक मुसलमान के परस्पेक्टिव से देखें ना तो इमाम ने क़ैम रही ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने कहा असल में ना जो दिल है ना दिल की जो जिंदगी है वो असल में अल्लाह की मोहब्बत वो है सही अल्लाह की मोहब्बत जब तक हमें नहीं हासिल होगी तो इंसान का जो दिल है उसको वो ग़ा नहीं मिलेगी या इंसान की रूह को वो गज़ा नहीं मिलेगी जिसके साथ वो सरवाइव कर सकता है देखिए कुरान मजीद की आयत बड़ी खूबसूरत है यादी आनजीबूल वल रसूल कम लिमा कम या ईमान बालो तुम रिस्पोंड करो अल्लाह और उसके रसूल की कॉल को जब वो तुम्हें बुलाए उस चीज़ की तरफ जो तुम्हें ज़िंदगी अता करती है hmm. यानी दीन इज़ अ लाइफ यानी ये इस्लाम जो है ये अल्लाह ताला ने हमारी दिलों की ज़िंदगी है अगेन hmm. ज़िंदगी तो अल्लाह ने दी है तो यहाँ पे किस चीज़ की ज़िंदगी की बात हो रही है hmm. दीन यानी दिलों की ज़िंदगी की बात hmm. करें hmm. 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 तो असल में ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ने एक बंदे को अपने लिए पैदा किया हो इंसान की जो रूह है इट केम फ्राम ए वे इट इज क्रिएटेड बाई अल्ला और उसके अंदर अल्लाह ने फितरत उसकी इंसान को बनाई है खैर के हवाले से दीन के हवाले से फितरत जैसे इस्लामी फितरत कहते हैं यानी दीनी दीन फितरत जिसे हम कहते हैं ना और इंसान उस चीज़ को हासिल ही ना कर पा रहा हो जो उसकी एक्चुअली बेसिक नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट है और उसके बाद इंसान को अल्टीमेट खैर मिल जाए हाँ वक्ती तौर पे इंसान दुनियावी इन फायदों से इन सक्सेस के जो आउटर सक्सेस होती है जो अपेरेंट सक्सेस होती है उससे उन चीजों को क्लाउड जरूर कर लेता है ये ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पे ड्रग्स हैं फॉर एग्जांपल तो ड्रग्स आपको वक्ती तौर पे वाकई स्टेबिलिटी देते हैं यानी टू तो सर्टेन एक्सटेंट आपको एक इतमान और सुकून मिलता है लेकिन रियलिटी के अंदर व्हेन यू डीपर एंड रियलिटी में दिस रियालिटी मेंजिंग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा था प्रॉब्लम कुछ और होती है प्रॉब्लम वही होती है कि यू आर नॉट नॉटिंग योर सेल्फ वट इट एक्चुअली डिजायर तो इन माई हम्बल ओपिनियन इफ़ द प्रॉब्लम अगर कोई आ, कोई मेंटल हेल्थ का इशू नहीं है कोई इलनेस का मसला नहीं, नहीं है कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है कोई इस तरह हुँ. की चीज़ नहीं है ना फिर जो रीज़न जो समझ आती है वो यही समझ आती है कि वो इतमान कल्ब जो है जो इंसान को सिर्फ उस ज़ात से मिल सकता है जिसके साथ वो कनेक्ट करने के लिए दुनिया में भेजा गया है सो हाँ तो इसका मतलब है कि वो चीज़ मिसिंग है इसको